यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यहां पर आपको बता देते हैं कि योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। डीजीपी की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या फिर घायल होने पर शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो दो डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी भी वीडियोग्राफी की जाएगी। इतना ही नहीं, जिस जगह पर शूटआउट हुआ है वहां फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेगी। डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि जहां पर एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस को जांच करने दिया जाएगा। पहले दूसरे थाने की पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच से उसकी जांच कराई जाएगी। एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर के अधिकारी ही इसकी जांच करेंगे। डीजीपी की ओर से यह भी कहा गया है कि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश के परिजनों को तुरंत इसके बारे में सूचित किया जाए और इसकी जानकारी पंचायतनामा में भी दी जाए। इसके अलावा एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को सरेंडर करना होगा, इसकी जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। सबसे ज्यादा आपने देखा समाजवादी पार्टी हर एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी। अब ऐसे में एक नई गाइडलाइन जो जारी की गई है उसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और उसी के बारे में ब्यौरा दिया है डीजीपी की तरफ से। जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, एनकाउंटर में अपराधी की मौत या उसके घायल होने पर शूटआउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी, ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है देखिए इस गाइडलाइन का। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि अगर एनकाउंटर में अपराधी की मौत हो जाती है तो दो डॉक्टर्स का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत मिश्रा, विस्तार से बताइए इन गाइडलाइंस में क्या बड़ी बातें लिखी गई हैं? हो रहे हैं उनको लेकर एक नई गाइडलाइन डीजीपी ने जारी की है और इसको लेकर सीधे तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है कि एनकाउंटर के बाद जो उनका पोस्टमार्टम जो होगा वो डॉक्टरों का पैनल, दो डॉक्टरों का, विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल करेगा और इसके अलावा उसकी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। दो डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम में शामिल होगा। ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है और मारे गए जो बदमाश होगा उसके तुरंत परिवार वालों को सूचना दी जाएगी कि उसका निधन हो गया है, इसकी जानकारी परिवार को तत्काल दी जाएगी और जो शूटआउट वाली जगह है उसका फॉरेंसिक टीम बाकायदा निरीक्षण करेगी। और जिससे इसकी मंशा इसके पीछे ये है कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं उन पर जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल खत्म होंगे, पारदर्शी व्यवस्था के तहत सारी कार्रवाइयां होंगी और न्यायालय में भी उसे पुलिस जो वैज्ञानिक साक्ष्य होंगे उनको बेहतर तरीके से रख सकेंगे, जिससे कि मजबूती मिलेगी पुलिस को, आधार मजबूत रहेगा, कोर्ट में भी मजबूती मिलेगी, इससे कोई सवाल ना खड़े हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत मिश्रा। तो देखिए, नई गाइडलाइंस जो जारी की गई है उसके मुताबिक अब वीडियोग्राफी भी होगी घटनास्थल की और जिस जगह पर शूटआउट हुआ है वहां पर फॉरेंसिक टीम भी निरीक्षण के लिए पहुंचेगी। तो ये आपको एक एक करके वो महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं जो इस गाइडलाइन में शामिल हैं। डीजीपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जहां पर एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां SGPJI हॉस्पिटल में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने SGPJI से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं और यहां से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ चुनाव का प्रेशर कहिए, एक तरफ अब आज कैस जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ और महत्वपूर्ण कार्य जो प्रदेश में पूर्ण कराए जाने हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भरपूर भागीदारी है। आज ये कार्यक्रम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं SGPJI से, सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और देखिए, जानकारी अस्पताल की एक एक ली जा रही है इनकी तरफ से। इस समय तमाम अधिकारी और डॉक्टर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौतरफा आप देख सकते हैं। ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री।
यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। लिस्ट को लेकर पार्टी ने सभी समीकरणों पर पूरी प्लानिंग कर रखी है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कुछ सीटों पर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी चल रही है। यूपी में उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। उपचुनाव में बीजेपी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी जीतेगी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, उससे भी बड़े बहुमत से महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनने जा रही है। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं, बीजेपी अपने काम पे सबको साथ लेके चलने की नीति पे लगातार काम कर रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। इससे पहले प्रदेश इकाई की ओर से सभी सीटों के लिए तीन तीन नामों का पैनल बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था, जिस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला ले चुका है, फाइनल लिस्ट तैयार है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, उसके मुताबिक कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है, अवधेश द्विवेदी का भी पैनल में नाम, करहल विधानसभा सीट से संगमित्रा मौर्या का नाम, ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है, नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है, कुंदरकी से शेफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है, खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है, मुकेश सूर्यवंशी का नाम यूपी बीजेपी ने पैनल में रखा है, मझुआ सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है, सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है, फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है, अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल हैं। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है, चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है।